वाहिगुरु फतेह। अज अं पहुंचे हैं श्री हरगोबिंदपुर शहर गुरु अर्जन देव जी वालों 1643 समय च बसाया नगर, जिथे कि मीरी पीर के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की दूजी जंग फतेह होने उपरंत दमदमा साहब गुरुद्वारा साहब की जो सिरजना हुई, इतने अज जो कि नवे सीबत साहब चुने गए उन्होंने गलबात करते, उसके नाल ही होर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो जो नुमाइंदे साडे नाल पहुंचे ने उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी, खालसा जी वाहिगुरु जी, खालसा वाहे फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरद्वारा श्री दमदमा साहब के मीरी पीरी के मालक छेवीं पातशाही श्री हरगोबिंद साहब जी के द्वारा वसाए इस नगर से इस पवित्र जगह जिथे बह के उन्होंने गुरबाणी की रचना की, और गुरबाणी के वो अंकते जड़े आ पेश किए जिदे नाल अज दुनियादारी और लाइफ स्टाइल लोगों का जड़ा बनया, जिदे विच उन्होंने मीरी ते पीरी का संदेश दिता। और इस जगह दे उते गुरद्वारा साहब उन्हां दी याद विच बने ने, जिहड़े उत्थे रिसीवर दे उत्ते पोस्ट दे उत्ते सरदार गुरमेज सिंह जी चीमा साहब उन्हां नूं नियुक्त कीता संगत वालों, और एक 11 मैंबरी कमेटी बनी, और समुची संगत का वो फरमान जिहड़ा सरदार गुरमेज सिंह दे उत्ते थोपिया गया, और अज वो थोपया होया जिहड़ा फरमान उन्हों कोर्ट वालों ऑर्डर भी जिहड़े आ बतौर रिसीवर सरदार गुरमेज सिंह हुणी उन्होंने दिता गया। और बड़ी खुशी की गल है कि जिथे कि जो कि इस टाइम सारे सहयोगियों वालों जो सज्जना जो इलाका वालों भी तो नाल ही श्रोमणी कमेटी के अहदेदार साहब साढ़े नाल पहुंचे ने। सुरजीत सिंह जी जो खास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो मैंबर साहब भी साढ़े नाल जुड़ चुके ने, उन्होंने भी गलबात करते हैं। हाँ जी, खालसा जी वाहिगुरू, खालसा वाहे फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के स्थान पर असी सारे सुशोभित हो के गुरु महाराज का ओट आसरा लिया है, तो गुरु महाराज ने बड़ी अपार कृपा की है कि जिहड़ा पुरातन समय तो दूसरी जंग जित के इस शहर नूं वसा के ते शहर नूं चाल चंद लाए सन, इस धरती ते अपने चरण पा के इस धरती नूं पवित्र कीता सी और जंग की फतेह की सी। अज इहदा प्रबंध जिहड़ा है वो पहला वक्रे वक्रे रिसीवर से चलता रहा, क्योंकि ये लोकल कमेटियां दे अंडर गुरद्वारा साहब का प्रबंध आता है, तो ये हूँ अज 11 मैंबरी कमेटी ने कुछ समय तो काफ़ी काम किया, बड़ी सेवा की, और बड़ा इतने साफ सफाई का काम और गुरु घर नूं समर्पित हो के बड़े लंबे समय तो अपना जिहड़ा कार्ज है धार्मिक तौर पर इत्थे गुरु दे गुण गायन करके कीता है। तो अज वो 11 मैंबरी विचों सरदार गुरमेज सिंह चीमा जी नूं जिहड़ी लोकल कमेटी दे रिसीवर दे तौर पर नियुक्त किया गया है। अज असी उन्हां नूं पहले दिन इस रिसीवर की जिम्मेवारी वास्ते बिठालण वास्ते जिम्मेवारी दे उत्ते कुर्सी ते बहाउण वास्ते असी सारे एकत्र होए हां, ताँ कि असी परमात्मा का धन्यवाद कर सकी, शुक्रगुजार हो सके कि परमात्मा इस साडे छोटे वीर नूं और इस 11 मैंबरी कमेटी नूं चंगी इस सेवा निभाउण दा मौका दें। आउण वाले समय में जिथे पिछले समय में इन्ना वधिया काम किया है, होर भी वधिया काम कर सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, जिथे कि सुरजीत सिंह जी ने बहुत वधिया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो अपना मैसेज दिता और बड़ा वधिया गलबात और एक जो कि आशीर्वाद देने वास्ते वड्डे प्राण नूं जिस तरह पहुँचे उन्होंने गलबात करते हैं कि किस तरह का अज माहौल आ, कि जिस तरह अज उन्होंने रिसीवर की एक पदवी मिली है तो एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी हैगी। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहे फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज उस जगह ते एकत्र होए हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिथे दूसरी जंग फतेह की सी, बड़ी अपार कृपा हुई। इस ही जगह पर अपना भाई गोपाला जी ने जपजी साहब का शुद्ध पाठ बाबा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सुनाया सी, इस जगह पर ही भाई बाबा जानी शाह नूं गुरु जी ने अपने गले ला के अपना जानी बनाया सी। इस तरह साढ़े ते भी कृपा की है, महाराज ने सानू अपने गल नाल लाया, सानू इस गुरु घर का कुकर गुरमेज सिंह नूं इस जगह का चौकीदार दिता है, तो अहीं सारे ही 11 मैंबर जिहड़े के
काफ़ी समय तो लगे हैं सेवा करना, सारे ही इतने इस तरह ही सेवा करा। गुरमेर सिंह कला रिसीवर नहीं है, इतने 11 रिसीवर खड़े हुए हैं। साध संगत की जड़ी है मेहनत सदका, तो साध संगत के नाल रल के ही गुरु घर नूं होर वधिया साफ सुथरा बनावांगे और सुचजे ढंग नाल जिहड़े सुचारू तौर तरीके वो भी अपना के होर वधिया चार चंद लवांगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा। चलते हुए छोटी गल कहना चाहते कि अज जिवें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडा मैंबर साहब जी ने कि संगतां दूरों दूरों दर्शनदार वास्ते आना चाहुंदियां ने, और काफ़ी लोग आते भी ने, कितना कितने पुराने प्रबंधा च घाट रही है कि जितना इतने रहन सहन का दूर दुरादे संगत का प्रबंध ना होना, तो ये वास्ते कोई विशेष उपराले वास्ते जी? ये साडा पहला मकसद यही है जी, जी मैं ये निष्काम सेवा की है ना, जिन्ना चर मैं दस सेवा इतने करेगा वो जी सैलरी पहले रिसीवर लेंदे रहे ने, वो अं इसे काम लिए वरतनी है। अं गुरु घर लिए एक दो तीन कमरा जदों भी साढ़े को जिदा जिदा पैसे जमा होंगे गए तो अं वो जी एक नहीं अपनी गुरु घर लिए एक अपने बनावे जी जगह बिल्कुल सरां का सरां टाइप जरूर बनावे जी। बहुत धन्यवाद। इस दे नाल ही अं जी कि एक उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ही परमात्मा धन्यवाद करते हैं अमीर पीर के मालक, और जितों जंग का सिलसिला शुरू है उतों ही एक नवी जो कि इतिहासक गलबात शुरू करने अपनी जो कि नवी पदवी तो जो कि अब शुरुआत कर जा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you.